चलिए देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13, 13 चैप्टर के ऊपर मिसलिनियस एक्सरसाइज है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ये जो फंक्शन दिए इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, केवल जो अपने पास में डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, उसका यूज करेंगे। इसका फर्स्ट वाला पार्ट ले ले रहा हूँ, माइनस एक्स। देखो अगर अपन डायरेक्ट करते तो माइनस एक्स का माइनस वन आएगा आंसर, डेरिवेटिव माइनस, लेकिन अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये माइनस साइन ऐसी रहने दो, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच रख, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच रख, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, रखो इसमें वैल्यू डी बाय डी एक्स माइनस एक्स, ये माइनस एक्स ऐसा लिख दिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एच। इसको थोड़ा सॉल्व करो, अभी एच की वैल्यू नहीं रख सकते, डायरेक्ट रखेंगे तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं रख सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस साइन का इंटू कर दो, माइनस एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एच, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर माइनस एच बचा नीचे एच, अब ये एच से एच को कैंसिल कर दो, यहाँ केवल माइनस वन टाइम कैंसिल हुआ, माइनस वन बच जाएगा, माइनस वन में एच तो है ही नहीं तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला था इसलिए अपने को ये सब करना पड़ा, और नहीं बोलता तो डायरेक्ट माइनस साइन सामने आता, एक्स का डेरिवेटिव वन तो माइनस वन आ जाता, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा तो आपको ऐसे ही करना है, और फर्स्ट प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लेता हूं मैं पहले। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस वन, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ऐसी रहने दो, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच रखना है, और ये माइनस वन पावर, ध्यान से रखना केवल एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लगा दो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, रखो वैल्यू डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है आपकी ये माइनस एक्स प्लस एच होल रेस टू द पावर माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस वन और अपॉन एच, इसको सॉल्व करना है। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब देखना इसको, ये इसकी नेगेटिव पावर है ना, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के अगर अपन इसको वन के अपॉन में रख दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच, ये पॉजिटिव पावर होगी माइनस वन का, ये माइनस और ये माइनस और इसकी पावर माइनस वन है तो इसको माइनस वन अपॉन एक्स, ध्यान से करना है ना, वन के अपॉन में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव पावर थी तो वो पॉजिटिव हो गई। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं,
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच, ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एच, ऐसा आ गया। अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम आ जाएगा आपका, एक्स प्लस एच भी आ जाएगा और एक्स भी आ जाएगा, दोनों आ गए, और इन टू एच आपका नीचे ऑलरेडी है। एक्स प्लस एच से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, एक्स का इन टू इसमें करेंगे तो ये माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस, x से डिवाइड करें x कैंसिल, x प्लस एच का वन में इंटू करेंगे तो प्लस x प्लस एच, ऐसा हो गया। ये माइनस x और प्लस x को कैंसिल कर लो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर h बचा है, नीचे x प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, ये h से h को और कैंसिल कर लो, बस हो गया अपना काम। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर वन बचा और नीचे x प्लस एच इंटू एक्स। अब देखो अगर h की वैल्यू जीरो रख दो तो आप जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं होगा, रख दो h की वैल्यू जीरो, तो वन अपॉन ये x प्लस जीरो इंटू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब इसको अगर आपको ऊपर ले जाके लिखना है, इसी पावर को यदि अपन ऐसा लिख दें, क्वेश्चन अपना नेगेटिव पावर में था तो इसको एक्स रेज़ टू द पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो वो भी ठीक है। ये आपका आंसर हो गया x रेस टू माइनस टू, ये डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर भी लिख सकते। देखो अगर अपन सीधा भी करते डायरेक्ट, ये माइनस वन सामने आता, पहले माइनस वन सामने आता, एक पावर कम होती इसमें, ये माइनस वन सामने आता, एक पावर माइनस एक्स में कम होती, तो ये माइनस टू हो जाता, इसको नीचे लेके आते तो ये प्लस टू हो जाता, माइनस माइनस का प्लस हो जाता, तो 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाता, या x की पावर माइनस टू है तो माइनस माइनस का इंटू करते x की पावर माइनस, डायरेक्ट करते तो भी आ जाता, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। चल देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, साइन एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लो, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच रख दो और ये प्लस वन, बट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव d बाय dx f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, चले रखिए इसके अंदर वैल्यू, वैल्यू रखते इसके अंदर d बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे साइन एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे साइन एक्स प्लस वन और अपॉन एच। अब यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस वन, ये तो कैलकुलेट करना अपने को, इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां लगा रहे अपन फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे ये है और डी के प्लेस पे ये है, एक्स प्लस एच प्लस वन और प्लस डी करेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, तो एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स और माइनस वन हो जाएगा ना अपॉन टू अपॉन टू, थोड़ा ध्यान से ऐसा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल कर लो और अपॉन में एच है, अपॉन में एच, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसी कल्टियो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू कॉस
एक्स और एक्स 2x हो गया, प्लस 1 और 1 2, प्लस h अपॉन 2, ऐसा हो गया, इनटू साइन h, ये माइनस 1 और प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल h बचेगा, h अपॉन 2 और होल अपॉन h है। देखना आराम से ना। अब देखो ये वाले में तो डायरेक्ट कॉस में वैल्यू रख देंगे h की, और ये साइन h अपॉन 2 के साथ अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन h अपॉन 2 एंगल है, लिमिट बनाने के लिए h अपॉन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं इसको। ऐसे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको 2 से डिवाइड कर दो अलग अलग, तो ये x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस h अपॉन 2, ऐसा हो गया। ये वाले 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने इनको, साइन h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 है, h अपॉन 2 से डिवाइड किया और h अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा वो लिमिट बनाने के लिए, और टोटल अपॉन में h है। यहाँ पर ये h से ये वाला h कैंसिल कर लो, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल करो, और दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो, इसकी लिमिट अलग ले लो, इसकी लिमिट अलग ले लो। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1 प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 और अपॉन h अपॉन 2, ऐसा हो गया है ना। तो ये वाला तो अपने पास में फॉर्मूला है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू ऑन x के प्लस पे h अपॉन 2 ये h है, h अपॉन 2 टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एक ही बात हो जाएगी। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर इसमें वैल्यू रख देते हैं cos x प्लस 1 और h के प्लेस पे 0 रख रहे हैं, cos x प्लस 1 और h के प्लेस पे 0 और ये अपॉन 2 इनटू 1 हो जाएगा, ये वाला आपका 1 हो गया, लिमिट h टेंड 0 sin h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 ये 1 हो गया आपका पूरा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये cos x प्लस 1 ये 0 अपॉन 2 0 हो गए इनटू 1 कर दिए तो ये हो गया cos x प्लस 1, ये आंसर हो गया आपका, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, cos x माइनस पाई बाई 8, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसको f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 8, देन f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cos x के प्लेस पे x प्लस h रखना है, तो x प्लस h माइनस पाई बाई 8, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लगा दो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल, d बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h, रखो इसमें वैल्यू d बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू cos x माइनस पाई बाई 8 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h के प्लेस पे ये वाली वैल्यू cos x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे cos x माइनस पाई बाई 8 और अपॉन h, वैल्यू रख दी हमने। अब यहां ऊपर आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है, cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला सेंस cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin d माइनस c अपॉन 2, देयरफॉर d बाय dx cos x माइनस पाई बाय 8, इसकी वैल्यू निकालना अपने को, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2, तो 2 sin c है आपका x plus h minus pi by 8 और plus d है आपका x minus pi by 8 upon 2, ये हो गया sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2, d है आपका
एक्स माइनस पाई बाई एट ये होगा डी, और माइनस सी करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच प्लस पाई बाई एट और अपॉन टू और होल अपॉन एच। अब देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल्ड, पाई बाई एट पॉजिटिव पाई बाई एट नेगेटिव कैंसल, ये माइनस एच अपॉन टू बचा, यहाँ पर चीजें प्लस होगी, माइनस पाई बाई एट है, एक्स एक्स अब प्लस होगा। बस इसको थोड़ा सावधानी से लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर आपका टू साइन, अब देखना एक्स और एक्स 2x हो गया, पाई बाई एट और माइनस पाई बाई एट माइनस टू पाई बाई एट हो जाएगा, माइनस टू पाई बाई एट लिख दो, उसको पाई बाई फोर कर देंगे फिर, और प्लस एच, एच अकेला है, अपॉन टू, अपॉन टू, ऐसा हो गया, इनटू साइन माइनस एच अपॉन टू और अपॉन एच। ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, ये साइन है तो माइनस का माइनस सामने आ जाएगा और ये साइन एच अपॉन टू हो जाएगा। ये माइनस सामने लगा देता हूँ मैं, ये माइनस सामने आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर टू साइन, ये टू से इसको डिवाइड कर लो अलग अलग, तो ये एक्स हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई एट आ जाएगा वापस, और प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन टू हो गया, ये माइनस का साइन सामने कर दिया मैंने, माइनस अपॉन एच। अब इनकी लिमिट के लिए यहाँ पे साइन के साथ में फॉर्मूला बनाएंगे अपन, तो साइन एच अपॉन टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और इनकी लिमिट अलग अलग ले, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसमें एच अपॉन टू से इसको डिवाइड किया मैंने और एच अपॉन टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा लिमिट बनाने के लिए, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, इनकी लिमिट अलग अलग ले लो बस, लिम ये माइनस का साइन सामने है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस पाई बाई एट प्लस एच अपॉन टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू, देखना बेटा आराम से करना। अब ये आपका जो फॉर्मूला है लिमिट का, इससे वन हो जाएगा, और इसमें एच की वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं लिमिट का, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ये वाली लिमिट यहां लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई एट प्लस एच के प्लेस पे जीरो अपॉन टू, तो पूरा जीरो हो जाएगा, इंटू ये वाली लिमिट आपकी वन हो जाएगी इस फॉर्मूले से। इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले तो माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई एट, ये वाला आपका जीरो अपॉन टू जीरो होगा, छोड़ दो उसको, ये वाला माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई एट, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई एट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दिए हमने चारों क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ जाना चाहिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इट इज to be understood that a b c d p q r and s are fixed non-zero constants in m n and r integer, ये a b c d p q r s जो है ये non-negative non-zero constants है और m और n जो है वो कोई integers होंगे complete number, तो आपको इनके derivative find out करना है। आप देखिए इसमें नहीं लिखा है कि first principle था, अब अपन इसको direct करेंगे, direct अब अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल ये वो जो भी अपने पास में फॉर्मूले जितने वो सबको अपन यूज कर सकते हैं। जब फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है तब आपको फॉर्मूले नहीं लगाना है। तो अब ये फंक्शन है अपने पास में x प्लस a, इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को, ये a जो है कोई कॉन्स्टेंट होगा, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, कि जब डायरेक्ट अपने को करना रहता है तो मैं y के इक्वल लेता हूँ, और जब फर्स्ट प्रिंसिपल से करना रहता है या डेफिनेशन से तो मैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेता हूँ, इसको डायरेक्ट y के इक्वल ले लो, और किसी ने एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, कुछ भी ले सकते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स प्लस ए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx y इक्वल टू d बाय dx x प्लस ए, y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा, d बाय dx x प्लस d बाय dx a, इधर तो आ गया आपका dy बाय dx x का वन होता है और d बाय
dx a का जीरो हो जाए, कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये आंसर आ गया आपका वन। बस क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस, तो ये पी क्यू आर एस जो है ये कोई कांस्टेंट, इसको वाई के इक्वल ले लो। लेट वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस। यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट टूल आप डेरिवेटिव अपने पास में, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लगा दो, पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस। देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। क्या था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, रख दो उसमें वाले, इधर आपका डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है आपका आर अपॉन एक्स प्लस एस प्लस सेकेंड फंक्शन आर अपॉन एक्स प्लस एस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू। ये आराम से वैल्यू रख दिया मैंने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पी एक्स प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा, इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना आपको। तो देखो आर कॉन्स्टेंट है तो आर को सामने कर लो, डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एस, डी बाई डी एक्स एस ऐसा हो गया, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस, और इसका करना है आपको तो पी कॉन्स्टेंट है सामने कर लेते, पी डी बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स क्यू, डी बाई डी एक्स क्यू, डी बाई डी एक्स क्यू है वो। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व करो, पी एक्स प्लस क्यू इंटू, यहां देखना आप ये आर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स को ऊपर लेके चले जाओ तो एक्स की पावर माइनस वन, अभी करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, प्लस डी बाई डी एक्स एस, एस कॉन्स्टेंट है एक्स के लिए तो जीरो हो गया उसका, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस, और यहाँ पी आपका कॉन्स्टेंट है सामने, डी बाई डी एक्स एक्स का वन हो जाएगा और डी बाई डी एक्स क्यू का जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। ये पी एक्स प्लस क्यू, ये आर तो सामने, एक्स की पावर माइनस वन सामने आएगी और एक पावर कम कर देंगे तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, ये जीरो को छोड़ दो, ये एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव लगा, माइनस वन को सामने कर दिया और एक पावर कम कर दिया तो माइनस वन माइनस टू हो गया, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस इंटू पी वन जा पी, ये पी आ गया, जीरो को छोड़ दो, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लो, हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ये वाला जो माइनस का साइन है इसको मैं सामने लगा देता हूँ, ये माइनस पी एक्स प्लस क्यू आर इंटू, ये एक्स की पावर माइनस टू है तो इसको नीचे ला के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, आर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस ये आर अपॉन एक्स प्लस एस इंटू पी, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, आर अपॉन एक्स स्क्वायर पी का भी कर देता हूँ, सामने माइनस का साइन है, माइनस का भी कर लेते, तो ये माइनस पी आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी कट देंगे उसको, फिर ये माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस पी का कर लो इसमें ये वाले ब्रैकेट में, तो ये पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस, पी एस या एस पी कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाले एक्स ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ, माइनस पी आर अपॉन एक्स माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस, ये पी आर अपॉन एक्स नेगेटिव और पी आर अपॉन एक्स पॉजिटिव कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गए, जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा, माइनस क्यू आर
अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एस, बस ये आपका आंसर हो गया, माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस। क्वेश्चन नंबर फोर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ए एक्स प्लस बी इन टू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। इसको वाई के इक्वल ले लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इन टू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी इन टू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। देखो अब यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकेंड ले लो और लगा दो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरीवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरीवेटिव, डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है उसको लगा रहे थे। क्या प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। इधर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, इधर लगाते फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर प्लस सेकेंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर इन टू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी। अभी इसको और थोड़ा सॉल्व, ए एक्स प्लस बी, अब देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी अगर अभी आप डायरेक्ट अपन इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन चला गया ऊपर पावर टू है सी एक्स प्लस डी कह सकते, इसको अपन खोल देते ए प्लस बी और इसको फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू सी डी एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी से खोल दिया ना, अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर और इसका करेंगे अपन डी बाय डी एक्स ए एक्स, ए सामने ले लेते हैं उसका इन टू ए सामने डी बाय डी एक्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स बी ऐसा। चलिए अब ये ए एक्स प्लस बी और इसमें सबका डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लो, सी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है सामने कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर प्लस टू सी डी कॉमन है, टू सी डी कॉन्स्टेंट है सामने कर लो और डी बाई डी एक्स एक्स प्लस प्लस यहां से लिखता हूं सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर इन टू ए कॉन्स्टेंट सामने एक्स का वन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का वन, ये वाले एक्स का वन हो गया और डी बाई डी एक्स बी का जीरो हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है प्लस जीरो। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ए एक्स प्लस बी, ये सी स्क्वेयर सामने है एक्स स्क्वेयर का एक्स रेस्टेंट वाले फॉर्म टू सामने का एक पावर कम करेंगे एक्स स्क्वेयर का टू एक्स हो जाएगा, ये सी स्क्वेयर इन टू टू एक्स प्लस ये डी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है आपका तो जीरो हो जाएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट का जीरो होता है प्लस टू सी डी एक्स सामने है, टू सी डी सामने है और ये एक्स का वन हो जाएगा, टू सी डी और एक्स का डेरिवेटिव वन और प्लस प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर और ये ए में वन का इंटू करेंगे तो ए और वो जीरो होगा, जीरो को छोड़ दो। थोड़ा सा और लिख लो इसको, ये ए एक्स प्लस बी टू सी स्क्वेयर एक्स, जीरो छोड़ दो उसको, प्लस टू सी डी, टू सी डी प्लस ए इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। यहाँ से टू सी कॉमन निकालते हैं, ये टू सी सामने लिख दिया मैंने, ये है ए एक्स प्लस बी, फिर ये वाले ब्रैकेट में से आपने टू सी कॉमन निकाले तो एक सी बचेगा और एक एक्स बचेगा और यहाँ से टू सी निकाल दिया तो डी, एक सी बचा और एक्स, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी और ये है आपका ए इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर और थोड़ा आराम से करना है।
बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रख के करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसको वाई के इक्वल इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी बाय डी एक्स वाई, डी वाई बाय डी एक्स लिख देंगे उसको, और यहाँ डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। देखो इसमें कोशेंट रूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, कोशेंट रूल, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, क्या था डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर को लगा देते हैं बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। फॉर्मूले सारे याद रखना आपको, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं, इधर डी बाई डी एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लगा रहा है अपन कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ध्यान से लगाना, नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर ए एक्स प्लस बी डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है सी एक्स प्लस डी, आराम से वैल्यू रखना क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो ऊपर सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहने दो, इसका ए सामने आ जाएगा डी बाय डी एक्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस बी, और अंदर डी बाय डी एक्स का इंटू का सी कॉन्स्टेंट है, सी इंटू डी बाय डी एक्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स डी बाई डी एक्स डी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन उसके, अपन लिखती है ऐसा, नीचे सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। चलो इसको और थोड़ा सा, ये सी एक्स प्लस डी एज इट इज, अंदर ए कॉन्स्टेंट है आपका, ये सामने है, डी बाई डी एक्स एक्स का वन हो गया, प्लस ये डी बाई डी एक्स बी कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा इसका, माइनस ए एक्स प्लस बी सी डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, ये सी कॉन्स्टेंट है सामने और एक्स का वन हो जाएगा, ये सी इंटू एक्स का वन प्लस डी बाई डी एक्स डी, डी कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा इसका, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये है सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज इंटू ए, जीरो को छोड़ दो इंटू ए, माइनस ए एक्स प्लस बी और सी इंटू वन सी, और बी को जीरो को छोड़ दो, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, ब्रैकेट खोल दो ये वाले, ए का इंटू करेंगे तो ए सी एक्स प्लस ए डी, माइनस सी का इंटू कर लो माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी हो जाएगा, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ये नेगेटिव ए सी एक्स और पॉजिटिव ए सी एक्स कैंसल्ड, जो बचा उसको लिख दो ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ये आंसर हो गया आपका ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना अपने को, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको y के इक्वल ले लो आप पहले। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते अपन एलसीएम लेके, ऊपर एलसीएम ले लो x, तो ये x प्लस 1, नीचे भी एलसीएम ले लो x, तो ये x माइनस 1, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, कैंसिल कर लो, अभी थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें क्वेश्चन टू लॉफ डेरिवेटिव लगा देंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, d बाय डी एक्स y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां पर क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देते हैं, बाय क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव
बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाला, तो लगाओ इधर आपका हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ लगाना है नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो x माइनस वन स्क्वायर, डिनोमिनेटर d बाय dx, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाय dx डिनोमिनेटर, ये वैल्यू रख दिया मैंने फॉर्मूले में। इसको सॉल्व करते हैं इधर तो आ गया आपका, चलिए ये x माइनस वन एज इट इज, x माइनस वन और यहाँ d बाय dx x प्लस वन, अलग अलग d बाय dx ले लो इनका, d बाय dx x प्लस d बाय dx वन माइनस x प्लस वन, और इसमें भी d बाय dx का अलग अलग इंटू कर लो, d बाय dx x माइनस d बाय dx वन अपॉन x माइनस वन स्क्वेयर, ऐसा हो गया। चलिए इसको सॉल्व करना है, नीचे का वैसे ही रहने दो x माइनस वन स्क्वेयर, ऊपर ये x माइनस वन ऐसे ही है, यहाँ पर d बाय dx x का वन हो गया और वन का d बाय dx वन का जीरो हो गया, माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ d बाय dx x का वन हो गया और d बाय dx वन का जीरो हो गया, d बाय dx x का वन हो गया और माइनस वन का जीरो हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये वन का इंटू कर लेंगे तो x माइनस वन, ये वन का इंटू कर लो सामने माइनस साइन है, माइनस वन का करो तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर, ये नेगेटिव x और पॉजिटिव x को कैंसिल कर लो तो ये हो गया आपका माइनस वन माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वेयर, ये हो गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर। अब देखो यहां पर x की वैल्यू जो है वो वन नहीं होना चाहिए, एक बात वन हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जो फंक्शन था ये वन अपॉन एक्स ऐसा लिखा हुआ था, मतलब x की वैल्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिख दो, लिख दिया आंसर वाले तो आप भी लिख दो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए, ये आंसर लिख दो, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू जीरो और वन हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो फंक्शन में x वन के अपॉन में था, कभी जीरो हो जाएगी x की वैल्यू तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे x माइनस वन का स्क्वायर आया, x की वैल्यू कभी वन हो गई तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर जीरो तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए ये दो इसकी डोमेन लिखी, मतलब इन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, तो x की वैल्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं, लिखा था क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया, बता दिया आपको कि क्यों लिखे, नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, मगर लिख दिए तो ठीक है, बुक में दिया अपन ने लिख दिया, ये लिखा था उसने। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको y के इक्वल ले लो पहले, लेट y इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर हो गया d बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल लगा लो, इधर साइड में आपका dy बाय डी एक्स हो जाएगा, यहाँ लगाना है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वन है माइनस न्यूमरेटर वन इंटू डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आराम से वैल्यू रखना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी होल स्क्वेयर है एज इट इज, रहने दो ऊपर का ये एज इट इज लिख दो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डी बाई डी एक्स वन जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का जीरो होता है इंटू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा वन, और इसका डी बाई डी एक्स लेना आपको अलग अलग डी बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी कॉन्स्टेंट सामने डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, नीचे का वैसे ही रहने दो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर, ऊपर यहाँ देखो ये पूरे ब्रैकेट में अगर जीरो का इंटू करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट सामने है एक्स स्क्वेयर का टू एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, ये एक्स स्क्वेयर का टू एक्स, टू सामने आ गया एक पावर कम हो गई, ये प्लस बी इंटू ये एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वन प्लस डी बाई डी एक्स सी, सी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का जीरो होता है जीरो, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दो, ये आंसर हो गया अपना, सामने माइनस साइन है टू एक्स प्लस बी और वो जीरो है छोड़ दो उसको, अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर, बस ये आपका आंसर है, माइनस टू एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको वाई के इक्वल ले लो पहले, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d by dx y is equal to d by dx ax plus b upon px square plus qx plus r, यहां पर quotient rule आप derivative लगा देते हैं, by quotient rule of derivative, by quotient rule ऑफ डेरिवेटिव, याद भी हो गया होगा अब तक कोसाइन रूल ऑफ डेरिवेटिव कई बार लगा दिए, तो डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां लगाना है डेनोमिनेटर का स्क्वेयर पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर, डेनोमिनेटर पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर न्यूमरेटर है ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक चलो इसको सॉल्व करते हैं, नीचे का वैसे ही रहने दो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर, ऊपर पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज, इसका डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लो सबका, ए बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस बी, और इसका सबका डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लेंगे, पी सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आर डी बाई डी एक्स और ये आर, अपॉन लिख दिए मैंने, देखो थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया मैंने क्योंकि लंबा लंबा है बहुत सारी चीजें उसमें, चलिए अब ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज, ए कॉन्स्टेंट है सामने डी बाई डी एक्स एक्स का वन हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स बी का जीरो हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है जीरो, माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज ए एक्स प्लस बी इंटू यहां पर ये पी सामने है और एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा, ये पी इंटू टू एक्स प्लस ये क्यू सामने है और डी बाई डी एक्स एक्स का वन हो जाएगा क्यू इंटू वन,
यू इंटू वन प्लस डी बाई डी एक्स, ये आर कॉन्स्टेंट है एक्स के लिए, जीरो हो जाएगा इसका, अपॉन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर, ऐसा हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, नीचे का वैसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर का पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर, स्क्वेयर एज इट इज रहने दो। यहाँ पर ये ब्रैकेट जैसा का वैसा, और ये ए इंटू वन, तो ए आ जाएगा, केवल ए को सामने लिख देता हूँ और जीरो को छोड़ दो, ए इंटू पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और टू इंटू पी एक्स, टू पी एक्स और ये प्लस क्यू इंटू वन, क्यू और ये जीरो को छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा टू पी एक्स प्लस क्यू। चाहे तो ये ब्रैकेट को खोल देते हैं अपन, खोल दो ब्रैकेट को, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, खोल देते हैं ब्रैकेट को, ए का इंटू करेंगे ए पी एक्स स्क्वेयर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, माइनस ए एक्स का इंटू करेंगे तो माइनस टू ए पी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस ए एक्स का क्यू में करेंगे तो माइनस ए क्यू एक्स, फिर माइनस बी का कर लो तो माइनस टू बी पी एक्स, और माइनस बी का क्यू में करेंगे तो माइनस बी क्यू, अपॉन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा, ए क्यू एक्स नेगेटिव और ये ए क्यू एक्स पॉजिटिव, और कुछ हो रहा होगा, और कुछ होते दिख रहा, ये ए पी एक्स स्क्वेयर है और ये माइनस टू ए पी एक्स स्क्वेयर है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और बाकी को लिख देते हैं, तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख दो पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वेयर। ये देखना ये ए पी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है और ये टू ए पी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव, तो टू में से एक माइनस कर दो, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस ए पी एक्स स्क्वेयर बचेगा और प्लस ए आर और प्लस ए आर के बाद में ये तो लिख दिया अपन ने माइनस माइनस टू बी पी एक्स और माइनस बी क्यू, ये आ गया, यही आपका आंसर हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, एम एंड एन आर इंटीजर, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये सब नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है और एम और एन को इंटीजर्स है, आपको इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसको वाई के इक्वल सपोज कर लेते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स वाई, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने का मतलब उसके सामने d बाय डी एक्स लगाना, d बाय डी एक्स पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ दो फंक्शन डिवीजन में आ गए तो कोशेंट रूल आप डेरिवेटिव लगा देंगे, यहाँ इधर y का हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स, इधर लगा देते कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्या है कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, ऊपर डिनोमिनेटर ए एक्स प्लस बी, d by dx numerator px square plus qx plus r minus numerator px square plus qx plus r d by dx denominator, denominator है ax plus b, ये हमने value रख दी इसके अंदर quotient rule of derivative, ये है आपका by quotient rule, quotient rule of derivative, quotient rule of derivative, ये देखना थोड़ा सा ये हो गया quotient rule of derivative, ठीक।
लगा दिया मैंने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू, ये ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही रहने दो, इनका डी बाई डी एक्स अलग अलग करेंगे तो पी कॉन्स्टेंट है सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आर माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी, तो ए सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर। चलिए इसी को आगे सॉल्व करके लिख देते हैं। नीचे ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर है, ऊपर ए एक्स प्लस बी एज इट इज ये वाला, अब यहाँ पे p सामने है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये p है x स्क्वायर का 2x प्लस q सामने है और x का 1 हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स आर, आर कॉन्स्टेंट है आपका तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये वाले ब्रैकेट में a सामने है, x का 1 हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स बी, बी कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा ऐसा। इसको और थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं, हो गए। ये ए एक्स प्लस बी इंटू टू पी एक्स प्लस क्यू, 0 को छोड़ दो, माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर। देखिए इसका भी डेरिवेटिव निकालना है आपको, ए अपॉन एक्स रेस टू फोर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स। इसको y के इक्वल ले लेते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स रेस टू फोर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है सामने कर लो, डी बाई डी एक्स ये एक्स रेस टू फोर को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो एक्स रेस टू द पावर माइनस फोर, अभी करेंगे उसको डिफरेंशिएट, माइनस बी कॉन्स्टेंट है सामने कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, ये ए एक्स की पावर माइनस फोर का करेंगे तो माइनस फोर सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो माइनस फाइव, एक्स रेस टू एन वाला जो फॉर्मूला था एन सामने आता है एक पावर कम कर देंगे तो एक्स रेस टू एन से एन के प्लस पे माइनस फोर है तो माइनस फोर सामने एक पावर कम कर दी, माइनस बी और ये एक्स की पावर माइनस टू का करेंगे तो माइनस टू सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। बस हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, माइनस फोर ए अपॉन एक्स की पावर को नीचे लिख देते हैं तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी एक्स रेस टू फाइव, माइनस माइनस प्लस टू बी अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस थ्री पावर नीचे लाके प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बस ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू, इसको वाई के इक्वल ले लो, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हमको, तो लेट वाई इज इक्वल टू फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, d by dx y is equal to d by dx 4 under root x minus 2, y का हो जाएगा dy by dx is equal to 4 constant सामने d by dx under root x को अपन x की power 1 upon 2 लिख सकते हैं minus d by dx 2, ये 4 x की पावर 1 अपॉन 2 का करेंगे अपन, 1 अपॉन 2 सामने आएगा, एक पावर कम कर दो 1 अपॉन 2 माइनस 1, वही x रेस टू n
का डिफरेंशिएशन एन सामने, एक पावर कम वाला फॉर्मूला लगा दिए, माइनस डी बाई डी एक्स टू, टू कॉन्स्टेंट है तो जीरो, इसको सॉल्व कर दो, ये टू टू जा फोर, टू एक्स की पावर टू एलसीएम ले लो, वन माइनस टू और ये जीरो को छोड़ दो, टू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू को नीचे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को अपन अंडर रूट में लिख सकते हैं, टू अपॉन अंडर रूट एक्स, बस ये आंसर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 19, 21 और ये 30, एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह क्वेश्चन, ये छह क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन के है, काहे के फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं, अब इसके लिए फंक्शन ऑफ फंक्शन अपने को बताना पड़ेगा, तो पूरे छह क्वेश्चन में इकट्ठे करूंगा इसके, चाहे तो मैं अभी कर दूं या फिर इकट्ठे पूरे छह बाद में कर लेते फंक्शन ऑफ फंक्शन, बाकी बिना फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले कर लेते, तो ऐसा कर लेते हैं, फिर ये बीच बीच में आएंगे क्वेश्चन, एक दो तीन आएंगे, फिर इधर आएंगे उधर आएंगे, तो अपन ऐसा कर लेते हैं इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन के पूरे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं, तो इकट्ठे करने के लिए या तो मैं अभी कर दूं इकट्ठे पूरे छह, पहले 12 फिर 13 फिर 14 फिर 19 फिर 21 और फिर 30, और नहीं तो फिर मैं पहले पूरा कर देता हूँ और फिर लास्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता के फिर इसका डिफरेंशिएशन करके ये छह क्वेश्चन इकट्ठे कर देंगे। क्या करूँ जल्दी बता, दो ऑप्शन बताया मैंने आप लास्ट में, चलो ठीक है अच्छा, और क्योंकि लास्ट का 30 वाला भी क्वेश्चन है अपना, वो मैच हो जाएगा वहां पे जाके, ये पूरे क्वेश्चन कर लेते अपन ये छह क्वेश्चन को छोड़ के, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, और फिर ये छह क्वेश्चन को अपन एक साथ में कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, फंक्शन ऑफ फंक्शन की ही जरूरत पड़ती है आगे, तो उसको अपन लास्ट में कर लेंगे। जिस जिस पे मैंने टिक लगाया ये वाले क्वेश्चन में अभी छोड़ दे रहा हूँ, ये इकट्ठे करेंगे, तो 12 भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, 13 भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, 14 भी है, 15 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको वाई के इक्वल ले लो, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है अपने को, लेट वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट, तो d बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, इसको ले लो फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, y का हो गया डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन कॉट एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन कोसेक एक्स, ये लगाया हमने बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए सबके इंटीग्रेशन अपने पास में, पूरे छह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने प्रूव कर लिए थे, ये कोसेक एक्स एज इट इज, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस कॉट एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देख लो आप पीछे पलट के यही होंगे, सही रखना है, प्रूव कर लिए हमने, माइनस कोसेक क्यूब एक्स हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स में कॉट एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉमन निकाल देता हूं, यहां पे बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और यहां बच जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, बस यही आंसर हो गया आपका, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसको वाई के इक्वल ले लो, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स,
यहां पर क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो dy बाय dx हो गए y का, लगा दो क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर कॉस एक्स डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स, यहां लिख देते हैं बाय क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल लगाया मैंने, इसको सॉल्व कर दो। ये 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब डी बाई डी एक्स नहीं लगा रहा, यार लगा दो अपने सब में लगाए थे, इसमें भी लगा दो, कुछ नहीं हो रहा, एक स्टेप लगेगी, डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0, और साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर माइनस माइनस साइन एक्स का इंटू कर लो इसमें, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस एक्स का इसमें कर लो तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इन दोनों में से अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल ले अपन यहां से, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 वाली, लास्ट की दो टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, ये माइनस साइन एक्स माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ऊपर से माइनस 1 और कॉमन निकाल दो तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां से माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं तो साइन एक्स प्लस 1, और नीचे है आपका 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो इससे ये एक पावर कैंसिल कर दो, साइन एक्स प्लस 1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगा, सो ये हो गया आपका, ऊपर बचा माइनस 1 और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 17, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको वाई के इक्वल ले लो आप पहले, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पर डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स वाई का, और यहां पर आप क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा लो, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अब इनका डिफरेंशिएशन करना आपको अलग अलग, नीचे का वैसे ही रहने दो,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ऊपर पहला ब्रैकेट एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसका और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस का माइनस हो गया माइनस, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लग रहा था उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, पहला ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का करो माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये माइनस, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नीचे का वैसे ही रहने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो यह है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन, ये दोनों तो प्लस वाले, यहां से एक में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, अपन होल स्क्वायर लिख देंगे उसको, फिर ये माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से पहले वाले में से ही निकाल लो, तो ये कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा और साइन एक्स माइनस का हो जाएगा, और ये वाला देखो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही है, तो ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस साइन कॉमन निकालने पे, तो इसी का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये स्क्वायर हो गया माइनस, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल देते हैं, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देते हैं, और सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अपन चाहते हैं यहाँ से पूरे में से माइनस का साइन कॉमन निकाल, यहाँ से भी कॉमन निकाल देते, तो बाहर कर देते हैं उसको माइनस के साइन को, ये माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल दिया ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, अभी लगाते हैं फॉर्मूला, और ये भी प्लस हो जाएगा आपका, माइनस साइन बाहर निकाल दिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे का वैसे ही रहने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का लगाओ, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगाओ, ये माइनस का साइन सामने रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू कॉस एक्स साइन एक्स या टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दी, प्लस इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू में है वो, ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे का वैसे ही रहने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव, कैंसिल कर लो, क्या बचा ऊपर कॉस स्क्वायर, ये सामने माइनस का साइन है, इसको बाहर रहने दो माइनस के साइन को, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू टाइम्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ऊपर से टू और कॉमन निकाल देते हैं, ये माइनस का साइन है, ऊपर से टू कॉमन निकाल दे रहा हूं, यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वन हो जाएगा वो, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये वाले ब्रैकेट को देखो आप, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, वन हो गया, तो ये माइनस टू हो गया अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, बस ये आपका आंसर हो गया, ये रहा भाई आंसर 17 का, माइनस टू अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये है ना अपना, प्लस कैसे, अगर ये माइनस का साइन था यार नीचे, ये नीचे माइनस का साइन है यार, अपन ने प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस है, इसको माइनस कर लो, ये सब माइनस है, ये अपन ने प्लस लगा दिए इसको, ये माइनस कर लेना इसको, ये सब जगह माइनस कर लेना, ये माइनस है, नीचे माइनस का साइन है, कर लो उसको माइनस, अपन ने प्लस लगाते चले गए, ध्यान से करना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये आंसर है इसका।
माइनस टू अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ध्यान से करना भैया, करो गड़बड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन, इसको वाई के इक्वल ले लो। लेट वाई इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन। यहां पर क्वेश्चन टू आप डेरिवेटिव लगा लेंगे, वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टू आप डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस वन, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर सेक एक्स माइनस वन माइनस न्यूमरेटर सेक एक्स माइनस वन, डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस वन। नीचे अपन कर दिया, इसको लिख दो बाय क्वेश्चन टू ऑफ डेरिवेटिव, बाय क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल लगा दिया हमने, सॉल्व करते हैं इसको। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, सेक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ऊपर सेक एक्स प्लस वन, दूसरा ब्रैकेट देखो, सेक एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, माइनस वन का जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वन का जीरो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने वहां पे, डी बाई डी एक्स नहीं लगा। अब सीख के अपन बहुत सारी चीजें कर ली, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में अपन डी बाई डी एक्स लगा के करें, अभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप जब आप कन्वीनियंट होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस सेक एक्स माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स लेना, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और वन का जीरो हो जाएगा। नीचे का लिख दिया है विच इज इक्वल टू, यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बचेगा, जीरो को छोड़ दो, इसको सामने लिख देता हूँ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन सेक एक्स प्लस वन, माइनस ये जीरो को छोड़ दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सामने लिख देते हैं इसके ब्रैकेट के, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस वन, नीचे का वैसे ही रहने दो, सेक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन है दोनों में, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन निकाल देते हैं, निकाल लो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन, यहाँ पे आपका सेक एक्स प्लस वन बच गया, यहाँ पे आपका ये निकल गया, ये सेक एक्स माइनस वन और ये माइनस साइन का इंटू कर दो इसमें, तो ये माइनस सेक एक्स हो जाएगा और माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, माइनस साइन का इंटू कर दिया इसमें, अपॉन सेक एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, ऊपर सेक एक्स नेगेटिव सेक एक्स पॉजिटिव कैंसिल हो गया, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू को सामने लिख लो इधर, टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन अपॉन सेक एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इसको अपन अभी लास्ट में करेंगे, पूरे छह क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर भी छूट गए कुछ, ये 19 21 30 है, फंक्शन ऑफ फंक्शन को इकट्ठे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, इसको वाई के इक्वल ले लो पहले। लेट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स। यहां पर क्वेश्चन टूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, डेनोमिनेटर स्क्वायर सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर डेनोमिनेटर सी प्लस डी कॉस एक्स
डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर ए प्लस बी साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर ए प्लस बी साइन एक्स डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है सी प्लस डी कॉस एक्स, डी कॉस एक्स। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया मैंने, लिख देता हूं मैं बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल लगा दिया हमने। इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू ये सी प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज लिख दो, सी प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज, डी बाय डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स, तो ए कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, प्लस बी साइन एक्स का डी बाय डी एक्स, तो बी कॉन्स्टेंट है सामने कर लो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बी इंटू कॉस एक्स होगा, माइनस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको, ए प्लस बी साइन एक्स एज इट इज लिख लो, और डी बाई डी एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स, सी कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, प्लस डी और कॉस एक्स का माइनस साइन होता है तो प्लस डी सामने आएगा, ये माइनस डी हो गया और कॉस एक्स का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस डी साइन एक्स हो गया, ठीक है डी सामने आया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस डी साइन एक्स लिख दिया, नीचे का वैसे ही रहने दो, सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, नीचे का वैसे ही रहने दो, सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर ये जीरो है इसको छोड़ दो, ये बी कॉस एक्स को सामने लिख देता हूँ इस ब्रैकेट के, तो बी कॉस एक्स और ये ब्रैकेट लिख दो सी प्लस डी कॉस एक्स, फिर देखो ये माइनस है और ये जीरो को छोड़ देंगे, ये माइनस 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 का इंटू करें तो प्लस डी साइन एक्स को इस ब्रैकेट के सामने लिख दो, प्लस कर दो माइनस माइनस, प्लस डी साइन एक्स और ये हो गया ए प्लस बी साइन एक्स, बी कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो ये वाले ब्रैकेट में, तो बी सी, बी सी कॉस एक्स हो जाएगा, फिर बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, फिर डी साइन एक्स का करो ये वाले ब्रैकेट में, तो ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स और लास्ट वाली टर्म में करेंगे तो बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का वैसे ही रहने दो, सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म को देखो, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर, इसमें से बी डी कॉमन निकाल लेते तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इसको ऐसे लिख दो, ये बी सी कॉस एक्स प्लस इसको लिख देता हूं मैं ए डी साइन एक्स को, पहले ए डी साइन एक्स, अब ये जिसको मैंने हाईलाइटर से किया है इसमें से मैं बी डी कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर एक्स पहले वाले में और दूसरे वाले में साइन स्क्वायर एक्स, नीचे का वैसे ही रहने दो, सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट आपका वन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो गया आइडेंटिटी से, ये आपका बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी, बी डी इंटू वन तो बी डी हो गया वो, अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इसको अभी अपन इकट्ठे करेंगे, जितने 6 क्वेश्चन है वो इकट्ठे करेंगे, अभी तो मैं 22 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, x रेस टू 4 इनटू 5 sin x माइनस 3 cos x, इसको y के इक्वल ले लो आप, लेट y इज इक्वल टू x रेस टू द पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx y, डायरेक्ट इसको dy बाय dx भी लिख सकते हैं अपन, d बाय dx x रेस टू द पावर 4 इनटू 5 sin x माइनस 3 cos x, देखो इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लो सेकंड फंक्शन, लगा दो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इधर हो गया d
dy by dx first function, d by dx second function, 5 sin x minus 3 cos x plus second function, 5 sin x minus 3 cos x d by dx first function. फर्स्ट फंक्शन क्या है, x रेस टू 4, यहाँ लगाया है मैंने बाय प्रोडक्ट टूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय ये लिख देंगे आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव x रेस टू 4 एज इट इज. यहां देखना ये 5 कांस्टेंट सामने जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव cos x, तो ये 5 cos x हो गया, ये माइनस थ्री सामने आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता तो माइनस माइनस प्लस थ्री साइन एक्स हो जाएगा, थ्री साइन डायरेक्ट कर दिए हमने थोड़ा प्लस, ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, और एक्स रेस टू फोर का फोर सामने आएगा, एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से एक पावर कम कर दो, एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें से दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो पहले, यहां से और यहां से, ये x क्यूब कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक x बचेगा और ये पूरा ब्रैकेट 5 cos x plus 3 sin x plus x क्यूब निकाल लिया आपने तो 4 बचेगा और ये पूरा ब्रैकेट 5 sin x minus 3 cos x ऐसा. अब ये अंदर के ब्रैकेट खोल दो, ये x क्यूब बाहर है, x का इंटू करेंगे तो 5x cos x plus 3x sin x, 4 का इंटू कर ले ब्रैकेट में, 4 5 जा 20 sin x minus 4 3 जा 12 cos x, देखो कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, x क्यूब इंटू 5x cos x plus 3x sin x प्लस 20 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू कॉस एक्स, को वाई के इक्वल ले लो पहले, लेट डेरिवेटिव निकालना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स x square plus 1 into cos x, यहां पर प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, लगाओ इधर y का हो गया dy by dx, फर्स्ट फंक्शन x square plus 1 d by dx सेकंड फंक्शन cos x plus सेकंड फंक्शन cos x d by dx फर्स्ट फंक्शन x square plus 1 लगाया हमने बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व कर लो इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 सामने आएगा, एक पावर कम और 1 का 0, ये माइनस को सामने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू साइन एक्स प्लस 2x को सामने लिख लो, 2x इनटू कॉस एक्स, माइनस साइन का इनटू करो साइन एक्स का इनटू, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 2x कॉस एक्स, ये आंसर हो गया. अगर नहीं भी खोलेंगे आप ब्रैकेट तो भी आंसर ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स, ये आंसर हो. क्वेश्चन नंबर 24, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस, सिंपल क्वेश्चन से है ये, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स, चल इसको करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स, यहां पर
प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देते इसको फर्स्ट इसको सेकंड, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दो। इधर y का हो गया dy by dx is equal to फर्स्ट फंक्शन ax square plus sin x, d by dx सेकंड फंक्शन p plus q cos x प्लस सेकेंड फंक्शन पी प्लस क्यू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ए एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स। ये वैल्यू रख दिया मैंने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। सॉल्व कर लो इसको, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लगा उसका डेरिवेटिव करना है। ये पी कांस्टेंट है एक्स के लिए तो इसका जीरो हो जाएगा, प्लस ये क्यू कांस्टेंट है सामने आ गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्यू साइन एक्स हो जाएगा, क्यू सामने आ गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं, जिसके सामने रहता है उसको डिफरेंशिएट करना है, पीछे लगा तो नहीं करना है, सामने वाले को करना है, डी बाई डी एक्स जिसके सामने लगा रहेगा उसको, पी प्लस क्यू कॉस एक्स, अब इसको करेंगे तो ए कांस्टेंट है ये सामने आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू सामने आएगा एक पावर कम टू एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये माइनस क्यू साइन एक्स को सामने लिख दो, जीरो को छोड़ दो, माइनस क्यू साइन एक्स और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाला ब्रैकेट एज इट इज प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू, ये हो जाएगा नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा ठीक है, यही आंसर है, जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की, ये आंसर हो गया आपका, माइनस क्यू साइन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू टू एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, इसको वाई के इक्वल ले लो, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, d by dx y is equal to d by dx x plus cos x into x minus tan x। यहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा रहे थे, फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो, इसको सेकंड ले लो, इधर हो गया आपका y का dy by dx और यहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा रहे, फर्स्ट फंक्शन x plus cos x d by dx सेकंड फंक्शन x माइनस टेन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन x माइनस टेन एक्स डी बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है x प्लस कॉस एक्स, ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व कर दो इसको, ये x प्लस कॉस एक्स वैसी रहने दो, यहां देखो x का d बाई डी एक्स x का वन हो जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x, टेन x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, x माइनस टेन x d बाई डी एक्स x का वन हो जाएगा और cos x का माइनस साइन x, ये 1 माइनस एक स्क्वायर एक्स को माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी है आपके पास, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है तो सेक स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर को इधर करो तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस एक स्क्वायर थीटा को, तो ये 1 माइनस एक स्क्वायर एक्स को माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख दो, ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज प्लस एक्स माइनस टेन एक्स
और इंटू वन माइनस साइन एक्स, बस ये आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स, इसको y के इक्वल ले लो आप। लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स, लगाओ इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दो पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 4x प्लस 5 साइन x अपॉन 3x प्लस 7 cos x। यहां पर कोशेंट रूल आप डेरिवेटिव लगा दो, ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर 3x प्लस 7 cos x, डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर 4x प्लस 5 sin x माइनस न्यूमरेटर 4x प्लस 5 sin x, डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3x प्लस 7 cos x, ये वैल्यू रख दी आपने, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहां लिख देते हैं, बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये है कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको सॉल्व कर दो, नीचे आपका 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर पहला ब्रैकेट एज इट इज 3x प्लस 7 cos x, इसका d बाय dx लेना है तो 4x का 4 सामने आएगा, x का 1 हो गया, प्लस 5 सामने आ गया, sin x का cos x हो गया, ये वाले ब्रैकेट में कर रहे हैं, माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 4x प्लस 5 sin x इनटू ये 3x का 3 सामने आ गया, x का 1, तो ये 3 हो गया आपका, x का 1 हो गया, प्लस 7 सामने आया cos x का, माइनस 7x माइनस sin x, तो माइनस 7 sin x हो जाएगा, 7 सामने आएगा और cos x का माइनस sin x, तो माइनस 7 sin x हो गया, नीचे का मैंने लिख दिया, ये ब्रैकेट खोल देते हैं अपन, ये 3x, पहले ये दोनों ब्रैकेट का इंटू कर लो, पहले 3x का इंटू कर दो पूरे ब्रैकेट, तो 3x का 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15x इंटू cos x, फिर 7 cos x का करेंगे तो प्लस 7 4 जा 28 cos x, फिर 7 cos x का 5 cos x 7 5 जा 35 cos स्क्वायर x होगा पूरा मल्टीप्लाई, आप ये वाले ब्रैकेट का इसमें करना, सामने माइनस साइन है तो माइनस 4x का करेंगे पहले ब्रैकेट, तो प्लस माइनस का माइनस 4 3 जा 12x, फिर माइनस 4x का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28x और साइन x, है ना, अब इधर लिख देता हूं थोड़ा सा जगह मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, फिर आपको करना है माइनस 5 साइन एक्स का, और ये माइनस और ये 5 साइन एक्स का पूरे ब्रैकेट, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस 5 3 जा 15 माइनस 15 साइन एक्स, फिर माइनस 5 साइन एक्स का इसमें करेंगे 7 साइन एक्स का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 जा 35 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे का वैसे ही लिख दो 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर, इसमें जो टर्म प्लस हो रही इसको प्लस कर दो, जो माइनस हो रही माइनस कर दो, और एक कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाले में फॉर्मूला तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 35 है और यहाँ पे केवल 3 है, यार यहाँ भी 35 होगा, ये 7 इंटू 5 7 5 जो 35 कॉस स्क्वायर एक्स है, ये इसको 35 कॉस स्क्वायर एक्स कर लो, 35 कॉस स्क्वायर एक्स, अब इन दोनों में से 35 कॉमन निकाल देते हैं तो साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और बाकी को प्लस माइनस कर लेंगे, देखो कुछ कैंसिल वैंसल होता होगा, तो ये माइनस 12x और ये प्लस 12x को तो कैंसिल कर लो पहले, माइनस 12x प्लस 12x, और कुछ देखो
ये 15x sin x है, ये cos x है, और कुछ नहीं हो रहा है ना, बाकी प्लस माइनस होंगे। चलो ठीक है, नीचे का वैसे ही रहने दो, 3x+7 cos x होल स्क्वायर, ऊपर 15x cos x और 28x sin x है, अलग अलग है ना, तो एक एक ही टर्म है, तो 15x cos x, x कॉमन नहीं मत निकालो, 15x cos x ये वाला लिख दिया मैंने। उसके बाद में ये लिख दो 28x sin x+28x sin x, इसको भी लिख दिया। उसके बाद ये 28 cos x और ये -15 sin x, दोनों को लिख लो, +28 cos x -15 sin x। ये भी लिख दिया मैंने, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब ये दो बचे आपके, ये वाले दो, बाकी सब लिख दिया। इसमें से 35 कॉमन निकाल लो, +35 कॉमन निकालेंगे तो cos²x+sin²x, ये 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको 1 लिख दो, खत्म करो। तो ये हो गया आपका 15x cos x+28x sin x+28 cos x -15 sin x+35 हो जाएगा, cos²x+sin²x ये आपका 1 हो गया, और अपॉन 3x+7 cos x होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, x²cos π/4 / sin x, इसको y के इक्वल ले लो पहले, लेट y इज इक्वल टू x²cos π/4 / sin x अपॉन साइन एक्स, डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y इज इक्वल टू d/dx x²cos π/4, ये पाई बाई फोर ले, ब्रैकेट हटा दिया मैंने इसका, साइन एक्स। यहां पर क्वेश्चन रूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, इधर हो जाएगा dy/dx, लगा दो क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो sin²x लिख देंगे उसको, ऊपर डिनोमिनेटर साइन एक्स d/dx, न्यूमरेटर x²cos π/4, माइनस न्यूमरेटर x²cos π/4, d/dx डिनोमिनेटर साइन एक्स, बाय क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चले इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, नीचे का इसको sin²x लिखते, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर नहीं होता, ऊपर ये साइन एक्स, अब देखिए ये d/dx x²cos x, cos x cos π/4 कांस्टेंट है, ये सामने आ जाएगा, cos π/4 को सामने लिख लो, और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी, फिर ये -x²π/4 एज इट इज लिखो, x²cos π/4 एज इट इज, d/dx sin x का cos x हो जाएगा, हो गया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, 2x(cos π/4)(sin x) -x²cos π/4 cos x अपॉन sin²x, ये अरेंज करके लिख दिया। अब इसमें से x cos π/4 दोनों में, इसको कॉमन निकाल दो, x
पाई बाई फोर कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा और साइन एक्स बच जाएगा। माइनस एक एक्स निकाल दिए अपन, तो एक एक्स बचेगा, कॉस पाई बाई फोर निकाल दिए कॉस एक्स बचेगा, अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, बस यही आपका आंसर हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स एंड एम एन एन आर इंटीजर्स। जो नीचे फंक्शंस लिखे हुए हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमको, ए बी सी डी पी क्यू आर एस नॉन जीरो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स है और एम और एन इंटीजर्स है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स अपॉन 1 + 10x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमको, इसको वाई के इक्वल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x अपॉन 1 + 10x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू d बाय डी एक्स एक्स अपॉन 1 + 10x, y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 + 10x में क्वेश्चन टूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं। क्वेश्चन टूल आप डेरिवेटिव से डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 + 10x होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर 1 + 10x 10x, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर एक्स माइनस न्यूमरेटर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर 1 + 10x, यह है कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये कोशेंट रूल लगा दिया मैंने डेरिवेटिव का, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इधर डी वाई बाय डी एक्स है इज इक्वल टू, नीचे का एज इट इज रहने दो, 1 + 10x होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 + 10x वाला ब्रैकेट एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, 1 + 10x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस x और d बाय डी एक्स 1 + 10x का करना है, तो 1 का तो 0 हो गया, प्लस d बाय डी एक्स 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, डेरिवेटिव रख दिया उसका, तो नीचे हो गया आपका 1 + 10x होल स्क्वायर, ऊपर 1 का इंटू करेंगे 1 + 10x में, तो 1 + 10x माइनस एक्स का इंटू कर लो इसमें sec स्क्वायर एक्स में, तो माइनस एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1 + 10x माइनस एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10x होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, बस ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, इसके बाद फिर मैं आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन बताता हूँ, उसमें 5-6 क्वेश्चन अपने पे रह गए वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, x प्लस sec x इंटू x माइनस 10x, इसको y के इक्वल ले लो पहले। लेट y इज इक्वल टू x प्लस sec x इंटू x माइनस 10x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स प्लस sec x इंटू एक्स माइनस 10x, ये y का हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा देते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस sec एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस 10x प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस 10x इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है एक्स प्लस sec एक्स, ऐसा लगाया हमने बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है ना। चलिए इसको सॉल्व कर दो, ये x प्लस sec x का ब्रैकेट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 10x का sec स्क्वायर x,
ये 1 माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स माइनस टेन एक्स और यहां ये x का डेरिवेटिव 1 sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स ये हो जाएगा x का 1 प्लस sec x का sec x इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले अपने पास में है बस यही आंसर हो गया आपका। ऐसे आपको डेरिवेटिव निकालना था। ये थर्डी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का इसके ऊपर जो फंक्शन ऑफ फंक्शन के पांच छह क्वेश्चन छूटे हैं उन वहां से स्टार्ट करेंगे और आखिरी में थर्टी वाला क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टी वाला क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है और उसके बाद में उसका डेरिवेटिव अपने को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन का भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे की क्लासेस में भी इसका बहुत यूज होगा। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि जैसे आपके पास में एक फंक्शन है साइन और ब्रैकेट में लॉग एक्स, तो अभी क्या हो रहा है कि साइन जो है वो लॉग का फंक्शन है और लॉग किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन किसका फंक्शन है, साइन ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है और ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस आपका ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है और ए एक्स प्लस बी एक्स का फंक्शन है, इसको भी फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। और कुछ रहता है जैसे e रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी ए, तो e जो है वो ए एक्स प्लस बी का फंक्शन और ए एक्स प्लस बी एक्स का फंक्शन है, तो ऐसी चीजों को फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। या अपन ये बोल सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव अपने को डायरेक्ट नहीं पता है, अपने को साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है कॉस एक्स लेकिन साइन लॉग एक्स का नहीं पता है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है कॉस एक्स लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं मालूम, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। कॉस ए एक्स प्लस बी, हमको कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है लेकिन कॉस ए एक्स प्लस बी का नहीं पता है, तो ये आपके फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गए। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आपको एक्स की वैल्यू बता दी जाए तो आप डायरेक्ट इसको, अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी तो उससे आपको लॉग की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर इस लॉग की जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको साइन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू आपको बताया तो उसको आपको यहाँ रखना पड़ेगा पहले, फिर इससे जो वैल्यू निकलेगी उसका साइन लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू आपके पास में है तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसका कॉस लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू जो भी है उसको यहाँ रखना पड़ेगा और उससे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो भी आएगा उससे e की पावर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करता हो उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। मैं लिख देता हूं उसको, अ फंक्शन विच इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि कोई फंक्शन जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से खुद भी रखते जाते हैं, वाई की वैल्यू आती जाती है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो x की वैल्यू कुछ भी रखो 0, 1, 2, 3, तो आप y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अ फंक्शन विच इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता नहीं है उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे साइन लॉग एक्स का आपको पता नहीं है,
आपको साइन एक्स का पता है, साइन लॉग एक्स का नहीं पता तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। आपको साइन एक्स का पता है, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं पता है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। कॉस ए एक्स प्लस बी का आपको डेरिवेटिव नहीं मालूम, आपको कॉस एक्स का मालूम है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो ऐसा फंक्शन जिसका डायरेक्ट अपने को अभी तक के जितना अपने डिफरेंशिएशन पढ़े उससे उसका डेरिवेटिव अपने पास में ना हो तो उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। ये सब फंक्शन ऑफ फंक्शन के एग्जाम्पल। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए इसका कि अपने पास में है डी बाय डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी है, ये सिंपल वाला ले रहा मैं, ये कोई भी ले सकते हैं। अब ये पता चला अपने को कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है इसको एक्स कंसीडर कर लो आप ऐसे ही ओरली। अगर अपन इसको एक्स ले ले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस बी रख दो, ये साइन का कॉस हो गया। अब ये अंदर वाले का तो अपन ने कुछ किए नहीं थे अभी, तो ये अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ए सामने आएगा कॉन्स्टेंट और एक्स का वन हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स का वन हो गया और प्लस बी का जीरो, तो ये हो गया आपका कॉस ए एक्स प्लस बी और ये ए हो जाएगा, ए को सामने लिख सकते हैं अपन ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये है इसका डेरिवेटिव। ऐसे करना है आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का, कोई भी अगर फंक्शन रहता है तो अंदर जो क्वांटिटी रही जिसको अपने को पता नहीं है, ये अपने को साइन एक्स का पता है, कॉस एक्स साइन एक्स का पता है, इसका नहीं पता है, इसको एक्स कंसीडर कर लो आप, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है एक्स के प्लेस पे, यार अंदर वाले का आपको फिर से करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये कि हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो जाए, अब ये सब चीज डिफरेंशिएट होगी। ऐसे करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे दूसरा था अपने पास में डी बाय डी एक्स कॉस एक्स है, मान लीजिए डी बाय डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्योंकि कॉस की वैल्यू ए एक्स प्लस बी पर डिपेंड कर रही है और ए एक्स प्लस बी की वैल्यू पर कॉस की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसको एक्स कंसीडर कर लो आप, तो ब्रैकेट के अंदर इसको एक्स ले लो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हो रही, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी, और अंदर वाले ब्रैकेट का फिर से कर लो डी बाय डी, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको ए एक्स प्लस बी, ये माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का ए सामने आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, बी का जीरो, या ये हो गया आपका माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और ये ए आ गया आपका, ए को सामने लिख सकते हैं माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ये है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ तो ये आपको और क्लियर, इसकी डिटेल जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन की आपको आने वाले साल में मिलेगी, 12 से करेंगे अपन इसको। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इफ इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स एंड एम एन एन आर इंटीजर्स। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमको गिवन फंक्शन के, ए बी सी डी एफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये कॉन्स्टेंट्स है कोई नॉन जीरो कांस्टेंट और m और n इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 12, ax plus b raised to the power n। देखो ये ax plus b raised to the power n, इसको पहले y के इक्वल ले लो, लेट y is equal to ax plus b whole raised to the power n। अपने को x raised to n का डिफरेंशिएशन पता है, x raised to n का डिफरेंशिएशन, n सामने आ जाता एक पावर कम हो जाती, लेकिन ax plus b की पावर n का नहीं मालूम, तो जिसका डिफरेंशिएशन अपने को नहीं पता है उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते थे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। तो अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी बाय डी एक्स, वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, ये ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन। अब इस पूरे को, इसको पहले डी वाई बाय डी एक्स लिख लो, वाई का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन है तो इसको एक्स कंसिडर कर लो आप, बाद में इसका फिर से करें, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, x लिए तो x की पावर n का क्या होता है, n सामने आ जाता है, एक पावर कम कर लो इसमें, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। अभी अंदर वाले का की नहीं, अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा, इंटू और इंटू का साइन लगाते हैं, d बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ऐसा ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व करते हैं, ये n इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पर a कांस्टेंट है सामने आ जाएगा, x का वन हो जाएगा और b कांस्टेंट है, b का जीरो हो जाएगा,
ये आ गया आपका, ये ए बच जाएगा, यहाँ ए को सामने लिख देते हैं, एन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए, ये ए को सामने लिख लो, ए एन लिख लो, ए एन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन, बस ये आंसर हो गया आपका। ये आपके फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, ठीक है। उसको पहले एक्स कंसीडर कर लो और अंदर वाले का फिर से कर लो, एक्स कंसीडर करके एक्स रेस टू एन वाले से कर दो, तो ये एन सामने आ गया, एक पावर कम होगी इसमें, अभी अंदर का तो हुआ ही नहीं, आप डी बाई डी एक्स अंदर वाले का आपको फिर से करना है, बस ये है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर एन, इसको वाई के इक्वल ले लो पहले, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेस टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी होल रेस टू द पावर एम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर एम, है ना। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन ले लो इसको, सेकंड फंक्शन ले लो, तो इधर हो गया आपका y का dy by dx is equal to first function ax plus b raised to the power n d by dx second function cx plus d whole raised to the power m plus second function cx plus d raised to the power m into d by dx first function, first function है ax plus b raised to the power n, लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन तो ऐसे ही रहेगा सामने है, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, अब इसका करना है अपने को सी एक्स प्लस डी की पावर, देखो सी एक्स प्लस डी की पावर एम, तो इसको एक्स कंसीडर कर लो पूरे को, एक्स रेस टू एम होगा, एक्स रेस टू एम का क्या होगा, एम सामने आएगा एक पावर कम कर दो, ये एम सामने आया एक पावर कम करेंगे तो सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, अंदर वाले का तो अभी किए नहीं है अपन ने इसका, अब इसका फिर से करना पड़ेगा इंटू डी बाय डी एक्स सी एक्स प्लस डी का फिर से करना पड़ेगा, प्लस ये वाला सी एक्स प्लस डी की पावर एम एज इट इज सी एक्स प्लस डी की पावर एम, और इसका करना अपने को, तो अब ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, इसको एक्स कंसीडर कर लो अंदर वाले को, एक्स रेस टू एन का एन सामने आएगा एक पावर कम करो, एन सामने आया एक पावर कम करेंगे तो ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन, अभी देखो अंदर वाले का तो किए नहीं अपन ने, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का आपको फिर से करना पड़ेगा, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये एम है इसको सामने लिख लेता हूँ, एम इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर एम माइनस वन, अब ये वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है ना इसको, तो सी कॉन्स्टेंट है आपका सामने आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा डी का जीरो, तो क्या हो जाएगा c सामने आ गया x का वन हो गया प्लस d का जीरो हो गया, फिर प्लस यहां पे आ जाओ सी एक्स प्लस डी रेस टू द एम इंटू एन, एन को सामने लिख लेते हैं, ये n को सामने लिख लिए सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, इसको ऐसे ही रहने दो ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू, इसका करना है आपको, तो ए एक्स प्लस बी है ए कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा बी का जीरो, तो ए एक्स प्लस बी का ए सामने आ गया एक्स का वन और बी का जीरो, आराम से करना, विच इज इक्वल टू, अब देखना ये यहाँ पे सब इंटू में है, सी इंटू वन ये सी हो गया, ये सी को मैं एम के साथ यहाँ लिख देता हूँ सी एम, और ये बच्चे वाले को लिख लो ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर एम माइनस वन प्लस n into cx plus d की पावर m ax plus b की पावर n minus 1 और ये a into 1 plus 0, ये a हो जाएगा, a को सामने लिख लो n के साथ an, और बाकी को जैसा को वैसा लिख दो,
सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर एम इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा आ गया। अब यहां से कॉमन निकालना अपने को। तो अब देखो दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इसमें है ए एक्स प्लस बी की पावर एन इस टर्म के अंदर, और इसमें है ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, तो ये वाली एन माइनस वन छोटी पावर है और ये बड़ी पावर है। इसमें है सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन और इसमें है सी एक्स प्लस डी की पावर एम, तो एम माइनस वन छोटी पावर, तो जो छोटी चीज रहती है वो दोनों में है उसको कॉमन निकाल लेते। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस एन, ये अपन कॉमन निकाल लेते दोनों में से। अगले पेज में लेता हूँ मैं इसको, देखिए ऐसा है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या कॉमन निकाल दिया मैंने, छोटी पावर कॉमन निकालते हुए बोला मैंने, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन ये इंटू सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम माइनस वन, ये दो चीज मैंने कॉमन निकाला, तो अब देखना क्या बचेगा। यहाँ पहले वाले में देखना, ये सी एम बचेगा और ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन में से आपने ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल दी, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका ए एक्स प्लस बी बचेगा, सिर्फ सी एम बचेगा इंटू ए एक्स प्लस बी इतना बचेगा, और ये तो आपने कॉमन निकाल लिया सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, ये निकल गया सी एक्स प्लस डी की पावर एम। अब इसका इंटू करके इसमें देख लो, तो ये सी एम आ जाएगा, इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो इसकी पावर वन है और इसकी पावर एन माइनस वन, दोनों का बेस सेम है ए एक्स प्लस बी, तो पावर एड होगी तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा एन आ जाएगा, तो आपका ये वाली टर्म आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और ये वाला आपका सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन कॉमन आ गया यहाँ से, तो अंदर आपका सी एम इंटू ए एक्स प्लस बी बचेगा, इंटू करके देखेंगे आप तो ऐसा आ जाएगा। अब ये वाली टर्म में से आपको फिर से कॉमन निकाले आपने यही, तो यहाँ क्या बचेगा ए एन बचेगा प्लस ए एन, एक तो ये बचा, और यहाँ से आपने ए एक्स प्लस बी की और एन माइनस वन ये तो आ गया आपका, इसमें से ये कॉमन है। अभी यहाँ सी एक्स प्लस डी की पावर एम थी और अपन ने सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन कॉमन निकाले, तो अंदर आपका सी एक्स प्लस डी बच जाएगा एक पावर उसकी, सी एक्स प्लस डी इंटू करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ए एन आ जाएगा आपका, ये वाला तो आ जाएगा इंटू में ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। अब ये वाले की बात ये चाहिए अपने को, तो इसको जब इसमें आप प्लस करेंगे दोनों की पावर को, दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होगी एम माइनस वन और इसकी पावर वन है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर एम पावर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी की पावर है। कहने का मतलब कितने में से अगर आप ये कॉमन निकालेंगे छोटी पावर दोनों की, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, तो आपको अंदर ऐसा बचेगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइन एक्स प्लस ए, इसको वाई के इक्वल ले लो पहले, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए। देखो अपने को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स प्लस ए का नहीं पता, था ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस ए, वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, इसको एक्स कंसीडर कर लो, एक्स प्लस ए को इसको एक्स कंसीडर कर, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस ए। अब अंदर वाले का किए नहीं अपने, अंदर वाले का फिर से कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग एक्स प्लस, ये फिर से करना पड़ता है आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन। चलो ये कॉस एक्स प्लस ए, एक्स का वन हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है एक्स के लिए, तो इसका जीरो हो जाएगा, बस वन का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, ये आंसर हो गया आपका, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। 15 तो अपन कर चुके पहले ना, 15 कर चुके, आप पीछे पलट के देखना 15 हो गया अपना, 16 भी हो गया अपना, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, 19 करना है, 19 21 और 30 तीन क्वेश्चन करना है। चलिए एक एक लेता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, साइन रेस टू द पावर एन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर एन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन रेस टू द पावर एन एक्स। अपने को x रेस टू n का पता है, sin रेस टू n का नहीं पता, sin x का पता है, तो इसको x कंसीडर कर ले अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक स्टेप में, एक मिनट, इधर y का लिख लो dy by dx, इसको d by dx अभी करते हैं डिफरेंशिएशन, sin x
की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो केवल साइन की पावर एन होगी, एक्स की पावर एन नहीं होगी। अब इसको एक्स कंसिडर कर लो, तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन सामने आता है, एक पावर कम होती है, तो इसको एन को सामने कर लो, एक पावर कम कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब अंदर वाले का तो किए नहीं अपन ने, इनटू डी बाय डी एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको अंदर वाले को फिर से कर लो, डी बाय डी एक्स साइन एक्स, ऐसा ये हो गया आपका एन इंटू साइन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये एन इंटू ये जो ब्रैकेट साइन एक्स रेस टू एन माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो एन माइनस वन जो साइन की पावर होगी, एक्स की पावर नहीं होगी, तो साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ऐसा लिख देंगे उसको, इंटू कॉस एक्स, बस ये आपका डेरिवेटिव हो गया, एन इंटू साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। 19 के बाद 21, 20 हो गया था अपना पहले, 20 हो चुका है, 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, इसको y के इक्वल ले लो, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का d बाय डी एक्स वाई, यहां d बाय डी एक्स लगाओ, d बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, डिनोमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर, लगा दो कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस एक्स होल स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे उसको, ऊपर कॉस एक्स डी बाय डी एक्स न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस ए माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस ए इंटू डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है आपका कॉस एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो कॉस का स्क्वायर होगा, ऊपर कॉस एक्स, अब इसको देखो ये साइन एक्स का पता है आपको, साइन एक्स प्लस ए का नहीं मालूम, तो एक्स प्लस ए को आप एक्स कंसिडर कर लो इसको, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, और अभी आपने इसका तो किया ही नहीं एक्स प्लस ए का, इसको फिर से करना पड़ेगा, इंटू डी बाय डी एक्स एक्स प्लस ए को फिर से करना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, माइनस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज, और डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, हो गया पूरा, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए, एक्स का डी बाय डी एक्स, एक्स का वन हो जाएगा और ए का जीरो हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट, तो एक्स का वन हो गया और ए का जीरो हो गया, माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस इंटू में है तो प्लस लिख लो, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देते हैं, ये वन का इंटू करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, ये हो गया वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो एक फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए के प्लेस पे एक्स और बी के प्लेस पे एक्स प्लस ए, तो मैं लगा देता हूँ वाला फॉर्मूला, या फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर dy by dx क्या हो गया, dy by dx is equal to cos a minus b, cos a के प्लेस पे देखो क्या दिख रहा है, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे x plus a, तो x minus b करेंगे तो minus x minus a हो जाएगा, minus x minus a, ये हो गया आपका पूरा, upon cos square x, ये minus x plus x कैंसिल कर लो, तो ये क्या आ गया cos माइनस ए,
अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, ऐसा। देखो ये माइनस थीटा हो गया, ये माइनस है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, ये कॉस ए हो जाएगा, ऊपर का हो गया आपका कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। मैं लिख देता हूं, मैं सिंस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बस ये आंसर हो गया आपका। एक आखिरी क्वेश्चन है, 22 हो गया अपना, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 28 सब हो गया, एक आखिरी 30 वाला, लास्ट क्वेश्चन है 30। चलिए इसको ले लेता हूं 30 वाले को। क्वेश्चन नंबर 30, x अपॉन साइन रेस टू द पावर एन एक्स, इसको y के इक्वल ले लो, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन साइन रेस टू द पावर एन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा d बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स अपॉन साइन रेस टू द पावर एन एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देते हैं, क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेनोमिनेटर स्क्वेयर साइन रेस टू द पावर एन एक्स होल स्क्वेयर। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2n हो जाएगा, साइन रेस टू 2n x, x का स्क्वेयर नहीं होगा, डेनोमिनेटर साइन रेस टू द पावर एन एक्स डी बाय डी एक्स, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स डेनोमिनेटर साइन रेस टू द पावर एन एक्स, ये लगाया मैंने कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चले इसको सॉल्व करते हैं आगे। इधर तो आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, डेनोमिनेटर को सॉल्व कर देता हूं पहले, तो साइन रेस टू द पावर टू एन एक्स ऐसा हो जाएगा, ऊपर साइन रेस टू द पावर एन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन डी वाई डी एक्स साइन एक्स की पावर एन, ऐसा लिख लो। अब इसको एक्स कंसिडर कर लो और एक्स रेस टू एन वाला लगा दो, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो, साइन रेस टू द पावर टू एन एक्स, ऊपर वन का इंटू करेंगे तो साइन रेस टू द पावर एन एक्स माइनस एक्स, अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना, इसको x लिए तो n सामने आएगा, एक पावर कम कर लो, n सामने आया एक पावर कम करेंगे, साइन x रेस टू द पावर n माइनस वन, अभी अंदर वाले का तो किए नहीं है अपन ने, अब अंदर वाले का फिर से करेंगे, तो d बाय डी एक्स साइन x, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं, साइन रेस टू द पावर एन एक्स माइनस एन एक्स, एन एक्स इंटू इसको लिख देंगे साइन रेस टू द पावर, ब्रैकेट खोल देंगे तो एन माइनस वन इंटू एक्स, एन माइनस वन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर को लिख लो साइन रेस टू द पावर टू एन एक्स, यहां से साइन रेस टू द पावर एन है, यहां पर साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन, छोटी पावर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन को कॉमन निकाल लो, साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन निकाल लो, साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, ये कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, देखो दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पे पावर वन है, बेस से में तो पावर एड होगी, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन रेस टू द पावर एन एक्स ऐसा आ जाएगा, माइनस ये एन एक्स एज इट इज रहेगा और ये साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन आपने कॉमन निकाल लिए इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स ऐसा बच गया, नीचे साइन रेस टू द पावर टू एन एक्स, अब एक स्टेप में और ये दोनों का बेस सेम है तो ये एन माइनस वन को टू एन माइनस वन में से माइनस कर दो नीचे लाके, और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर साइन एक्स माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेस टू द पावर टू एन है उसमें से ये वाली पावर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस एन और प्लस वन हो जाएगा एक्स, ऐसा हो गया, देखना भाई ध्यान से, हाँ ये 2n पावर थी, ये वाली पावर को माइनस कर रहा नीचे लाके तो ये माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो ऊपर बचा आपका sin x माइनस nx इनटू cos x,
ऊपर और नीचे, इसको सॉल्व करते हो तो साइन 2n - n करेंगे तो n हो जाएगा, और +1x, साइन एक्स माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन n+1 x। ये n+1 को आप चाहे तो ऊपर ले जाके लिख सकते, लिखना चाहे तो, और नहीं तो ये आपका आंसर हो गया, साइन एक्स माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेस टू द पावर n+1 x। ये होगा ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन, है ना, चैप्टर खत्म।